Hey guys, welcome back to my channel Jarvis Rides. So as you can see, I have two electric scooters with me, the Bajaj Chetak and the Ola S1 Pro. In two of my previous videos, I reviewed these two scooters, and in this video, I'll be comparing these two scooters and tell you all about them to you. So let's start off the video. पहले तो इन दोनों का प्राइसेस बताते हैं आपको। ओला आता है 1,39,000 का, दैट्स द एक्स शोरूम प्राइस, एंड द बजाज चेतक इज कमिंग फॉर अराउंड 1,49,000। बजाज चेतक में आपको सिंगल वेरिएंट मिलता है और छह कलर का ऑप्शन मिल जाता है, और इसमें आपको तीन वेरिएंट्स मिल जाते हैं, द S1 Pro, द नॉर्मल S1, द न्यू, एंड दे हैव द न्यू S1 A, और इसमें आपको 11 कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो लुक की बात करें तो दोनों स्कूटर एकदम डिफरेंट जॉनर्स के। जो ओला है वो एकदम फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक टाइप का दिखता है एकदम, और जो चेतक है वो क्लासिक रेट्रो लुक देता है आपको। मॉडर्न भी लुकिंग है पर क्लासिक एक लुक मिलता है इसमें आपको। और फिनिशिंग की बात करें तो इसमें आपको फाइबर फिनिश मिलता है, प्लास्टिक फाइबर में फिनिश मिलता है, और जो चेतक है ये एकदम फुली मेटल फिनिश आता है, जिससे आपको प्रीमियमनेस का फील आता है। ओला में थोड़ा सा डिसेंट लगता है फिनिश, जो फिट एंड फिनिश है ओला में उतना बढ़िया नहीं है, डिसेंट है एज कम्पेयर टू द चेतक जो कि बहुत प्रीमियम है। और बैटरी की बात करें तो चेतक में आपको 3 kW का बैटरी मिल जाता है, और इसमें आपको ओला में आपको 3.97 kW का बैटरी मिलता है। दोनों में 3 साल का आपको वारंटी मिल जाता है, पर इसमें 40,000 किलोमीटर तक मिलता है, और इसमें आपको अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक मिलता है। 3 साल का मिल जाएगा बट किलोमीटर्स का डिफरेंस है। ओला S1 में आपको 8.5 kW का मोटर मिल जाता है, और बजाज चेतक में आपको 4.8 kW का मोटर मिल जाता है। ओला में आपको 58 Nm का टॉर्क मिलता है, और इसमें आपको 60 Nm का टॉर्क मिल जाता है, और उसी वजह से ओला 0 to 40 3 सेकेंड्स में ऑलमोस्ट पकड़ लेता है, और चेतक में 6 to 7 सेकेंड्स लग जाता है। तो ओला फुली चार्ज होने में अराउंड 6 to 6.5 hours लगता है, और इसमें आपको 181 km का रेंज मिल जाता है एज क्लेम बाय दी कंपनी, और इसका टॉप स्पीड अराउंड 115 km का है। एंड जो चेतक है उसको चार्ज होने में अराउंड 5 to 5.5 hours लगता है, और इसका टॉप स्पीड 70 है, जो कि कम है पर ठीक है, चलेगा। और इसमें आपको 115 km का रेंज मिलता है फुल चार्ज में, जो कि 5.5 hours का है। चेतक में आपको दो ही मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि ड्राइव मोड और इको मोड, पर ओला में आपको 4 मोड्स मिलता है, नॉर्मल मोड, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड, और उसमें रिवर्स मोड दोनों बाइक्स में मिल जाता है आपको। बहुत सैंडी एरिया है तो रिवर्स में, अरे भाई भाई बहुत पावर है रिवर्स में। सो वी आर डन विद द कंपैरिजन ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स, बट वी हैवन कम्पेयर द राइड एक्सपीरियंस। सो वॉट अबाउट द राइड एक्सपीरियंस, तो आप लोग जाइए पिछले वाले दो व्लॉग्स में, रिव्यू व्लॉग्स में, और राइड एक्सपीरियंस इसमें ज़रूर देखिए। फाइनली कंपेयर करें इन दोनों बाइक्स को, तो पॉजिटिव ओला के जो है वो है इसका पावर, इसका प्रेसिशन, इसमें बहुत सारा पावर मिलता है, और जो इसके फीचर्स है, एक्स्ट्रा जो फीचर्स आ रहा है, बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। और बजाज चेतक की बात करें तो इसमें आपको पावर उतना नहीं मिलता है, पर इसका जो फिट एंड फिनिश है बहुत बढ़िया है इन एज़ कम्पेयर टू द ओला। इसका जो बॉडी के पार्ट्स है, जो ये फाइबर के पार्ट्स है, फिनिशिंग उतना बढ़िया नहीं है, पर ये एकदम मेटल का फिनिश है और बहुत बढ़िया फीचर्स, मींस ये जो स्विचेस एंड ऑल है एज़ कम्पेयर टू द ओला बहुत बढ़िया है। और यू गेट द बजाज ब्रांड विद दिस चेतक। बजाज बहुत सालों से मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो आपको सर्विसिंग भी अच्छा मिल जाएगा और ब्रांड वैल्यू भी मिलता है, जबकि ओला एक नया ब्रांड है। आपको तो टैक्सी सर्विस तो मिल ही रहा था, पर स्कूटर के हिसाब से नया ब्रांड है, उसी हिसाब से सर्विसिंग का भी उतना हम लोग को आइडिया नहीं है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द कंपैरिजन, डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।